आज का टॉपिक है हमारा शहीद चैप्टर से रिलेटेड है। लास्ट टाइम जो शहीद चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करा था, दरअसल वो एक ड्रामा था, ड्रामा बेस्ड था वो चैप्टर। आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें पांच किरदार बताए गए थे। रजिया जो कि 11-12 साल की बच्ची थी, और एक है साया। साया उसमें जावेद को बताया गया है जो कि एक पाकिस्तानी फौजी है। दूसरा माँ और बाप का किरदार था। फिर आखिर में आती है एक पड़ोसन शाला। ये सारे उस ड्रामे के जो है किरदार हैं, ठीक है। उसने हमने क्या बताया था कि शहादत के बारे में था कि जावेद जो है वो शहीद हो जाता है क्योंकि वो जाता है अपने मुल्क के लिए, तो वहाँ पर वो शहीद हो गया था। उसी के मुताबिक ये उसी में ही है आपकी जुमले की तशरीह जो कि आपको बताएंगे। पहला है हमारा जुमला नंबर एक, शहादत तुमको क्या, शहादत को तुम क्या समझती हो, वतन की खातिर जान दे देना ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। अच्छा, ये जुमला कौन कह रहा है किसको और इसका मतलब क्या है? ये जुमला जो है रजिया के वालिद साहब जो हैं, रजिया की वालदा को कह रहे थे ये जुमला। जब उनकी वालदा रजिया के बारे में बताती हैं कि रजिया जो है बहुत रो रो के हलकान हो चुकी है, तब उसके वालिद जो है उनकी वालदा को, रजिया की वालदा को ये जुमला कहते हैं कि शहादत को तुम क्या समझती हो, वतन के खातिर जान दे देना ये शर्फ हर एक को नसीब नहीं होता। इसकी तशरीह बताएंगे कि इसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये जिसने भी ये ड्रामा लिखा है वो उसके जो है राइटर कौन है, किसने ये ड्रामा लिखा है। ये लिखा है मिर्जा अदीब को लिखा हुआ है। मिर्जा अदीब उर्दू के एक मायर नास ड्रामा निगार और मुख्तसर कहानी नवेस थे। मिर्जा अदीब का असल नाम मिर्जा दिलावर हुसैन अली था, मगर अदबी नाम, अदबी दुनिया में कलमी नाम मिर्जा अदीब के नाम से मशहूर हुए थे। वो तालिबे इल्म के जमाने से ही उनको लिखने का बहुत शौक था। मुख्तलिफ रसाले मतलब के मुख्तलिफ मजामीन भी उन्होंने लिखे। मिर्जा अदीब ने शुरू में अफसाने भी लिखे, मगर बाद में मिर्जा अदीब ने ड्रामा निगारी शुरू कर दी। ये इनका छोटा सा हवाला है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे ना हवाला है, मुसन्निफ लिखेंगे तो हवाले मुसन्निफ मैंने अभी आपको समझाया है कि आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मिर्जा अदीब के बारे में लिखेंगे, जुमले तक के जुमला लिखेंगे, जुमले के बारे में बात हो रहा है, हवाले मुसन्निफ लिखेंगे, हवाले मुसन्निफ में आप मिर्जा अदीब के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हवाले सबक। हवाले सबक किस तरह से लिखेंगे, यूँ बताएंगे कि ये हमारी नसाबी किताब में शामिल ड्रामा है, इसका नाम शहीद है, ये शहीद से लिया गया है ये जुमला, इस तरह से लिखेंगे। फिर आ जाएंगे तशरीह पर। तशरीह किस तरह से आप इसकी लिखेंगे कि यूं लिखेंगे, इस तरह बताएंगे इस जुमले को कि ड्रामा शहीद में एक पाकिस्तानी फौजी की शहादत और उसके घर वालों की गमगीन कहानी कुछ यूं बताते हैं। क्योंकि देखिए ना, वो पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हो चुका है तो उसके घर वालों को क्या हाल होगा, उसके घर वाले इंतहाई गमगीन होंगे। तो वो उस तरह बता रहे हैं कि मुंदरजा बाला फितरा यानी कि रजिया और जावेद का बाप जो है अपनी बीवी फातिमा से कह रहा है। उस वक्त बोलता है कि जब वो उसे अपनी बेटी यानी कि रजिया को गम में देखकर अपने शोहर को बताती है कि अभी तक रजिया उस सदमे से बाहर नहीं आई है, तो रजिया के वालिद क्या बोलते हैं कि आज भी भाई मतलब कि बोलती है कि जावेद का बा हिम्मत बाप अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए किस तरह समझाता है, शहादत की अहमियत बयान करते हैं कि शहादत कोई मामूली चीज नहीं, जैसे कि इन्होंने बताया है यहाँ पर कि शहादत कोई मामूली चीज नहीं है जो कि हर किसी को मिल जाए। शहादत जो है खुश नसीब लोगों को मिलती है जो कि जो इसके हकदार मतलब कि अल्लाह ताला जिनको अपने बारगाह में चुनता है उनको शहादत नसीब होती है। ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, ये एजाज अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को अता करता है। और एक इस्लामी मुल्क के दिफा के लिए जान दे देना शहादत का तंजीम तरीन रुतबा होता है, यानी कि
डिमांड कर देना शहादत के लाती है। तो उस वक्त इस ड्रामे में जब जानेब को पुकारा गया था उसकी कौम में, तो वहां पे उसको शहादत नसीब हुई थी। तो उसके जो है वालिद साहब अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए समझाते हैं कि शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती है, तुम बहुत खुश नसीब माँ हो और वो खुद बहुत खुश नसीब बेटा था तुम्हारा, उसको शहादत नसीब हुई थी। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे, जुमला नंबर एक लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आप लिखेंगे हवाला मुसन्निफ, और फिर लिखेंगे हवाला सबक, उसके बाद आप तशरी के हेडिंग करके तशरी लिखेंगे अपने अल्फाजों में, जो भी मैंने आपको समझाई उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो कोई भी मुश्किल हुई इस तशरी में या इस जुमले में, तो आप उसे गूगल क्लासरूम में पूछ लेगा कि कोई भी परेशानी पेश आई हो, और यह आज का आपका टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसके हवाले से आपको मैंने बता दिया है कि आपका क्या क्या लिखना होगा, आपको खुद से हवाले मुसन्निफ, हवाले सबक और तशरीह लिखनी होगी, आज का टॉपिक था बेटा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।